Hey buddies and welcome back to the channel। तो आज हम डोरेमोन की एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि अभी तक हिंदी में डब नहीं हुई है और ये काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड यूट्यूब एपिसोड है। तो हम लोग शुरू कर ले रहे हैं मूवी को। तो मूवी के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे फ्रेंडशिप टेलीकार्ड का सीन देखते हैं। यहाँ पे हमारा येलो डोरेमोन आता है जो कि हमारा असली वाला डोरेमोन होता है, मतलब ब्लू वाला। अब यहाँ पे रियल डोरेमोन क्यों है ये, क्योंकि ये डोरेमोन जब बनाया गया था ये तब का डोरेमोन है। अब उसका कलर ब्लू कैसे हुआ है और वो कैसे इतना चेंज हो गया, उसके कान कहाँ गए, या मैंने पहली वाली वीडियो में बनाया है मतलब बताया है, तो यू कैन चेक आउट द वीडियो। यहाँ पर डोरेमोन आके बताता है कि एक हम लोग ट्रिप पे गए थे जहाँ पे वो स्टोरी सुनाने लगता है। तो मूवी में हम उन्हें एक ईयरशिप में देखते हैं जहाँ पे अब उनकी ग्रेजुएशन खत्म होने वाली है। तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अब इन्हें बस एक लास्ट टेस्ट देने के लिए ले जाया जा रहा होता है। फिर यहाँ पे सिर्फ एक दूसरी जगह पहुँच जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे उनका टेस्ट होने वाला होता है। यहाँ पे नेक्स्ट डे प्रिंसिपल आते हैं और उन्हें एक टास्क देते हैं। अब यह टास्क होता है कंप्लीट करने के लिए जो कि उनकी ग्रेजुएशन को पूरा करेगा। अगर जो कोई भी टास्क नहीं कंप्लीट कर पाएगा उसे दोबारा कॉलेज करना पड़ेगा। अब वो टास्क होता है कि उन्हें एक आइलैंड पे छोड़ दिया जाएगा और सभी को एक एक जायंट इंसेक्ट ढूंढना है और शाम होने से पहले कॉलेज पहुंचना है वापस। अब जो भी कॉलेज वापस पहुंच जाएगा शाम होने से पहले उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, नहीं तो उसे दोबारा कॉलेज करना पड़ेगा। अब इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। यहाँ पे सभी लोग अपना जाइंट स्टेक ढूंढने लगते हैं। तो काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें दोनों को मतलब सभी को एक एक मिल जाता है। अभी सभी के यहाँ पे एकदम फास्ट होते हैं इंसेक्ट, तो यहाँ पे डोरा निको होता है जिसका इंसेक्ट काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंसेक्ट फास्ट होने की वजह से सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं तेज़ी से। अब यहाँ पर कुछ रोबो गर्ल आके यहाँ पे डोरा निको के स्लो होने का मजाक बनाती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। फिर यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं कि सारे रोबोट्स यहाँ पे जाके एक स्पाइडर के जाले में फंस जाते हैं। अब स्पाइडर यहाँ पे येलो डोरेमोन को खाने ही वाला होता है, तभी यहाँ पे डोरा निको आ जाता है और अपने इंसेक्ट को कमांड दे के उसका पिलर तोड़ देता है जिससे उसका जाल जो था वो टूट जाता है और सारे यहाँ पे रोबोट्स फ्री हो जाते हैं। यहाँ पे सभी लोग उसको थैंक्स कहकर फिर से आगे बढ़ जाते हैं। पर कुछ समय बाद वहाँ पे एक तूफान आ जाता है जिसमें सब लोग घिर जाते हैं और सभी लोग यहाँ पे डूबने लगते हैं। पर यहाँ तभी डोरा निकोब आके सभी लोगों को सेव कर देता है, मतलब सभी लोगों को बचा लेता है अपनी इंसेक्ट की मदद से। अब यहाँ पे तभी बादल छट जाते हैं धीरे धीरे करके और धूप निकल आती है, तो सभी लोग उन्हें थैंक्स बोलकर फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। और यहाँ पे डोरा निकोब अपना धीमे धीमे रफ्तार से आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ पे हम लोग मेटाडोरा को देखते हैं जो कि कॉलेज के काफी ज्यादा पास पहुंच जाता है। तो वो सोचता है कि अभी शाम होने में काफी ज्यादा देर है, तो मैं सो जाऊंगा और टाइम पे उठ के कॉलेज पहुंच जाऊंगा। तो वो वहाँ पे सो जाता है। अब यहाँ पे हम येलो डोरे को देखते हैं जो कि अपनी डायरेक्शन भूल जाता है, पर वो डायरेक्शन दिमाग लगा के चूज कर लेता है और वो आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पे हम लोग यन डोरा को देखते हैं जो कि यहाँ पे कॉलेज पहुंच ही जाता है। यहाँ पे उसे मेटाडोरा भी दिखता है पर वो उसे जगाता नहीं है और आगे बढ़ने लगता है। पर वो मेटाडोरा को देखने के चक्कर में यन डोरा एक जाके स्पेसशिप से टकरा जाता है जिससे वो भी कॉलेज पहुंचने में लेट हो रहा होता है। अब यहाँ पे सभी डोरेमोन्स के साथ यही होता है, कोई डायरेक्शन भूल जाता है, कोई कुछ या फिर किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाता है जिससे वो जल्द ही कॉलेज नहीं पहुंच रहे होते हैं। हालांकि कोई अलग जो रोबोट्स थे वो यहाँ पे सक्सेसफुली कॉलेज पहुंच रहे होते हैं। अब यहाँ पे स्टोरी थोड़ी सी चेंज होती है। हम लोग यहाँ पे रोबो गर्ल्स को देखते हैं जिन्होंने डोरा कोप का मजाक उड़ाया था। यहाँ पे वो लोग लेट ही होते हैं क्योंकि उनके कॉन्फिडेंस होता है कि वो जल्द ही कॉलेज पहुंच जाएंगी क्योंकि उनके इंसेक्ट्स काफी ज्यादा फास्ट थे। यहाँ पे तभी उनके पास स्कॉर्पियन रोबोट्स आते हैं। अब यहाँ पे वो उनसे कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो ना कि कॉलेज जाओ, तो वो अपना कॉलेज दोबारा नहीं करना चाहती थी रिपीट, तो वहाँ पे वो उन्हें मना कर देती हैं। तो वो भड़क जाते हैं और उन्हें उठा के वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे डोरा निको आ जाता है, वो उनसे लड़ने लगता है, उनसे झगड़ने लगता है, पर यहाँ पे स्कॉर्पियन रोबोट्स उन्हें जबरदस्ती हरा देते हैं। अब यहाँ पे डोरा निको देखता है कि सूरज ढल रहा है, तो वो एक भेड़िए में तब्दील हो जाता है और उन पर अटैक कर देता है। अब इन्हीं अटैक के बीच में रोबो गर्ल्स यहाँ पे निकल आती हैं बच के क्योंकि उन्हें अपना कॉलेज पूरा करना था कंप्लीट। यहाँ पे डोरा निकोब को अकेले ही छोड़ देती हैं। पर यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे डोरेमोन को देखते हैं जो कि सभी डोरेमोन्स कॉलेज पहुंच
चुके होते हैं अपने अपने इंसेक्ट के साथ, वो एंटर करने ही वाले होते हैं, पर तभी वहाँ पर रोबो गर्ल्स आ जाती हैं और वो उन्हें बताती हैं कि डोरा निकोव की फाइट हो गई है स्कॉर्पियन से, और यहाँ पर सभी लोगों की मदद डोरा निकोव ने ही की थी, तो वो समझते हैं कि हमें भी करनी चाहिए, और सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो वहाँ पर जाएंगे और उसको बचाएंगे, फिर वापस आएंगे। अब यहाँ पर सभी लोग वहाँ के लिए निकलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डोरा निकोव को स्कॉर्पियन ने लटकाया होता है उसके इंसेक्ट के साथ में, और वो जल्द ही उसे काट के नीचे गिराने वाले होते हैं। तभी वहाँ पे सारे डोरेमोन पहुँचते हैं और स्कॉर्पियन रोबोट से फाइट करते हैं और वो जीत जाते हैं। अब सभी लोगों को लगता है कि शाम हो ही जाएगी और वो कॉलेज नहीं पहुँच पाएंगे, इसीलिए सब लोग निराश होते हैं। पर तभी वहाँ पे डोरा निकोव का जो इंसेक्ट था वो ग्रो होता है और बड़ा हो जाता है और ड्रैगन फ्लाई बन जाता है। अब यहाँ पे सभी लोग उस पे बैठते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, पर तब भी जल्दी जल्दी करके भी वो कॉलेज शाम ढलने से पहले नहीं पहुँच पाते हैं, और यहाँ पर उनके प्रिंसिपल मिलते हैं जो कि उन्हें मना करते हैं कि अब उन्हें दोबारा से कॉलेज करना पड़ेगा। तभी वहाँ पे रोबो गर्ल्स आती हैं और कहती हैं कि जो जो हुआ वो सारा कुछ बताती हैं कि ये लोग बचाने के चक्कर में हम लोगों को यहाँ पे कॉलेज अपना टाइम पे नहीं पहुँच पाए हैं। अब जैसे ही प्रिंसिपल को पता चलता है कि वो मदद करने की वजह से यहाँ पे साथ में नहीं आ पाए हैं टाइम पे, तो वो उनकी कॉलेज डिग्री कंप्लीट करा देता है, हालांकि वहाँ पे ग्रेजुएशन उनकी कंप्लीट हो जाती है और मूवी यहीं पर हैप्पी एंड हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर लेना, हम लोग एम करते हैं 1000 लाइक का, और यहाँ पे अगर आपको चैनल अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन कॉल कर लेना हमारे ऐसे ही वीडियोस के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंस्टाग्राम पे भी हूँ मैं, तो वहाँ पे भी जाके जल्दी से फॉलो कर लेना, ये आ रहा होगा @ युकांशु। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।